कुछ और बताना चाहेगा, कुछ मतलब कि अंदरूनी बातें या कुछ सॉलिसिटर की या कुछ ऐसी जो, अभी है ना सुन, हाँ, वीजा एक्सपायर हो रहा था तेरा कब? वही तो मैं बता रहा हूँ, 30 जन को एक्सपायर होने वाला था, हाँ 27 जन को रिजल्ट आया। ठीक है, वो सिर्फ 3 दिन का गैप था, मतलब वीजा एक्सपायरिंग में और इसमें रिजल्ट में। हे एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, सो प्लीज ये पूरी वीडियो को पूरा देखना। एंड ये सभी के लिए, चाहे वो यूके में पढ़ रहे हैं, चाहे इंडिया से प्लान कर रहे हैं यूके आना अपने स्टडीज के लिए। सो गाइज, इसमें क्या हुआ, मेरा जो दोस्त था वो हो गया फेल। एंड जब फेल होता है यहाँ पे स्टूडेंट, तो PSW अप्लाई नहीं कर पाता है, राइट? एंड PSW नहीं अप्लाई कर पाया और उसको यूनी ने मना कर दिया उसका वीज़ा एक्सटेंशन के लिए। तो वो इंडिया नहीं जाना चाहता था, तो उसने ऐसा क्या किया जो उसका वीज़ा एक्सटेंड हुआ यहाँ पे। एंड ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, सो और मैं उसको थैंक्स करना चाहूँगा कि उसने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की, ठीक है? तो आप लोगों को बहुत सारा चीज़ें पता चलेंगी, चीज़ें क्लियर होंगी। एंड कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड उसने अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए मना किया, तो मैं उसका नाम नहीं बता सकता, वरना मैंने कोशिश की थी कि फेस टू फेस इंटरव्यू लूँगा तो उसका एक्सपीरियंस शेयर करेगा वो फेस टू फेस, बट वो उसमें कंफर्टेबल नहीं था, जो कि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उसका डिसीजन। बट उसने इतना करेज दिखाया कि वो कॉल पर उसने अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो आगे आप पूरी कॉल रिकॉर्डिंग सुनोगे, एंड कुछ भी क्वेश्चन होगा आपके दिमाग में या कुछ भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हो, तो मैं आंसर करूँगा सब चीज़ें के, ठीक है? तो उसने ऐसा क्या किया जो यूके में उसने अपना स्टे एक्सटेंड किया, उसने अपना वीज़ा एक्सटेंड किया, ठीक है? तो आप पूरी वीडियो को देखना। तो उसको फ़ोन लगाया मैंने अभी। हाँ, अब आ रही है आवाज़? अब बता, आप सही आ रही है ना आवाज़? आ रही आ रही आ रही। हाँ, हाँ तो सुन, थोड़ा सा अपना पूरा सिनेरियो बता कि क्या हुआ, मतलब ना, क्योंकि मेरे को एकदम उस पे अच्छे से वो बनाना है वीडियो। तो हाँ, हाँ, ठीक ये एक इन्फॉर्मेटिव तो वीडियो है, तो इतनी कोई वो नहीं है ना। हाँ ठीक है होते रहते हैं। हाँ अच्छा तो 27 अप्रैल को अपना हाँ रिजल्ट आना होगा। ठीक है, सॉरी जैन सत्ताईस को, सत्ताईस 27 जैन को। सत्ताईस जैन को? नहीं, पहले तो अपने स्टार्टिंग से बता, क्योंकि ये तो हम लोग एकदम उस पे आ गए ना, एकदम जहाँ लास्ट में तो वो हुआ था फेल। नहीं, टाइम क्या ही है भाई, तब हाँ, तक तो था ना भी उनके पास 30 तारीख तक, नहीं नहीं 30 जैन नहीं को। नहीं नहीं मेरे को ये बता, तू जो फर्स्ट सेमेस्टर था, ये जो तेरा मॉड्यूल था, ये फर्स्ट सेमेस्टर का था या सेकंड सेमेस्टर का था? शायद फर्स्ट सेम का ही था। फर्स्ट सेम का था। फिर तू फर्स्ट सेम में, तेरा रिसीट आया तो तूने उसको सेकंड सेम में दिया ना? नहीं मतलब जब ज्वाइन हुए थे ना अपन 2021 में, तभी तो सेम 2 में था ना इनोवेशन। फिर नहीं, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट सेम में मैंने सेम 1 में लिया, तो मेरा अक्टूबर में हुआ स्टार्ट। ये अपना अक्टूबर में स्टार्ट हुआ ना ये इनोवेशन। हाँ ठीक है। तो नहीं, हाँ तो पहले तो ये जो फर्स्ट सेमेस्टर में था ना, सेम 1 में था अपना इनोवेशन, या सेकंड सेम में था? सेकेंड सेम में था भाई। सेकंड सेम में था, ठीक है? तो सेकंड सेम में तेरा हुआ, ये हुआ तेरा, फिर मतलब तूने मई में एग्जाम दिया, ठीक है? और फिर मई में हाँ एग्जाम, रिसीट है उसमें। हाँ, फिर उसमें रिसीट आया, तो रिसीट कब दिया? जुलाई में? हाँ जुलाई में, जून में लिए थे अपन, हाँ जून में, ठीक जुलाई है। में। तो जून जुलाई में, ठीक है, जून जुलाई में तूने रिसीट दिया, फिर उसमें भी तेरा रिसीट, रिसीट क्या, फिर तो वो रिटेक हो गया ना। रिसीट को अगर हम रिसीट में फेल हो जाते हैं तो वो रिटेक हो जाता है। रिसीट में फेल हुए तो फिर रिटेक हो गए जुलाई हाँ, में। तो तूने रिटेक लिया, तो रिटेक फिर तूने अक्टूबर में, तेरी क्लासेस स्टार्ट हुई है ना, हाँ और तेरा फिर एग्जाम कब था? ये एग्जाम अपना कभी था, दिसंबर? शायद दिसंबर में हुआ ना अपना, हाँ दिसंबर, क्योंकि फिर वीजा एक्सपायर हो रहा था तेरा कब? वही तो मैं बता रहा हूँ, 30 जैन को एक्सपायर होने वाला था, हाँ, 27 जैन को रिजल्ट आया। ठीक वो है, सिर्फ 3 दिन का गैप था, मतलब वीजा एक्सपायरिंग में और इसमें रिजल्ट में। और मतलब हम पे ऑप्शन ये था कि अगर तू उसमें पास हो जाता, 27, जो 27 जैन को जो रिजल्ट आया, अगर तू उसमें पास होता तो तेरे को PSW मिलता है ना, तू PSW अप्लाई कर सकता था। हाँ तो वही तो मैं समझा रहा हूँ। एक हाँ 27 को रिजल्ट आने वाला था मेरा, 30 को एक्सपायर था वीजा हाँ का। ठीक हाँ है, हाँ तो मैं सोचा 27 को अगर पास हो गया तो मैं उसी दिन PSW अप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ठीक है, बाकी के बाकी वैकेंसी दिन, है 27 हाँ ऑब्वियसली, 29 को। तो हाँ। फिर मैंने देखा तो फिर रिजल्ट ये आया, फेल हुआ, 3 ही दिन बाकी था। तो हाँ मैंने बोला क्या करूँ क्या करूँ, मैं तो इंडिया जाने का सोच रहा था। ठीक है, हाँ ऐसा ऐसा हुआ। मतलब क्या, यूके छोड़ने की सोच रहा था? हाँ तो ऑब्वियसली अभी 3 दिन बाकी का तो और क्या करूंगा, हाँ। ऐसा ऐसा हुआ। फिर मैं सॉलिसिटर के पास गया। ठीक है, वो जब तेरा रिजल्ट आया उसी 1-2 दिन में? उसी दिन गया मैं, उसी दिन गया, अच्छा, उसी दिन गया, ठीक है। उसी दिन गया, हाँ, क्योंकि फिर तो वीकेंड खत्म हो था, रहा था और ना। हाँ वीकेंड फिर भी था, वीकेंड था, वीकेंड फिर भी था। गया तो बहुत लंबा क्यू था वहां पे। फिर वेट वेट किया, फिर उन्होंने बताया
कि इसका नेक्स्ट एग्जाम का भी होने वाला, मतलब रिसीट का भी होने वाला है। हाँ तो फिर मैंने बोला वो सीधा ये में मार्च में, अभी मार्च में शायद ठीक पूरा है। गैप है और मेरे पास वीजा नहीं है। ठीक तो है फिर उन्होंने बोला रिसीट में अगर निकल जाओगे तो हम लोग एफ एल आर अप्लाई करते हैं, हाँ ये रहता है फी वेवर करके एक है वीजा। हाँ FLR। हाँ अच्छा एफ एल आर फी वेवर, क्या होता है ये? फ्री फी वेवर करके फ्री कुछ वेवर। है। अच्छा फी वेवर। हाँ कि अच्छा मतलब एप्लीकेशन डालते हैं गवर्नमेंट में कि हम हाँ लोग ने मतलब कम से कम एप्लीकेशन डाला हुआ है, हाँ हम लोग लीगली अभी भी अच्छा तो ठीक तुमने है। एप्लीकेशन डाल दिया FLR वीजा का, तो तुम जब तक हाँ रिजल्ट नहीं आता तब तक तुम स्टे कर सकते हो UK में। ठीक है तो मतलब वो वीजा का रिजल्ट नहीं आ जाता तो ठीक है। हाँ हाँ तो फिर वीजा का। उसका हाँ मतलब वीजा का तो 0 पैसा था, पर उसका चार्ज था 250 सॉलिसिटर का, ठीक टू टू है। फिफ्टी लिया उसने एप्लीकेशन फाइल करने का। हाँ सॉलिसिटर ने लिया, तो ठीक है फिर लिया तो उसने बोला कम से कम 2-3 महीना खींच सकते हो इससे, ठीक है, ये फी वेवर से। फिर ठीक है। पता चला मेरा 1 महीने में फी वेवर का रिजल्ट आ गया फ्रंट एंड में। ओहो तो मतलब सॉलिसिटर ने बोला था तेरे को कि 2 से 3 महीने लगेंगे रिजल्ट आने में, बट वो तेरा 1 महीने के अंदर ही आ गया वीजा का हाँ रिजल्ट। 1 महीने के अंदर ही रिजल्ट आ गया मेरा, ठीक है कुछ आइडिया कौन सी डेट को आया था? फेब फेब एंड मार्च फर्स्ट वीक एंड में आ गया था, एक फेब महीना हुआ था। फेब अच्छा फेब एंड में आ गया था। ठीक है तो और उसके उसने तेरे फिर से 250 पाउंड लिए थे, 250 पाउंड। हाँ उसने ठीक बोला था है कि 3 महीना खींच लेंगे आराम से, 2-3 महीना, ठीक पर है। 1 महीने में आ गया। और ये जो सॉलिसिटर था मतलब अपना अपने कंट्री का था या यहाँ का ही था? अपने अपने ही अच्छा इंडियन ही इंडियन था। में ठीक है ठीक गुजराती गया। गुजराती हो गए। सो फिर उसके बाद जब तेरा रिजल्ट आया फिर फिर मैं गया उसके पास, बोला ऐसा ऐसा है। उसने बोला अभी पेड एफएलआर करना पड़ेगा जिसका फी है 2,500। पेड FLR करना पड़ेगा। अच्छा तो ये एक फिर पहले तो वो से कर रहे थे ना कि पैसे हाँ नहीं हमारे पास ऐसा वैसा, हाँ हाँ तो मेरा हाँ एप्लीकेशन फीस था, ठीक उसके है रिजल्ट आ गया था, फिर हाँ पेड एफएलआर किया। उसकी हाँ और उसकी कितनी फीस थी? मतलब पूरा एप्लीकेशन का तो 2,500 था जो 2,500 गवर्नमेंट को देना हंड्रेड था हाँ और सॉलिसिटर को 250 देना था। 250 तो मतलब तेरे इन टोटल 2,500 लग गए। ओ हाँ सॉरी 2,500 एप्लीकेशन का लगा, एप्लीकेशन का 250 उसके प्लस। हाँ 250 मतलब उसने लिया नहीं, पर अच्छा उसने लिया बोला नहीं कि उसने। चलो तुम्हारा 1 महीने में रिजल्ट आ गया तो हाँ फिर जाने दो, इंतजार मत दो, तो अच्छा ठीक है तो फिर ऐसा ऐसा मतलब हुआ। पेड 2,500 का तूने फिर वो पेड FLR अप्लाई किया। एफएलआर किया, हाँ फिर उसका अपॉइंटमेंट रहता है ठीक है, बायोमेट्रिक्स के लिए जाना रहता है। तो ठीक है फिर 17 अप्रैल को था मेरा बायोमेट्रिक्स, पर 17 अप्रैल अटेंड करना जस्ट नहीं रहता है अटेंड करना नहीं उसका, होता है वो। अच्छा अटेंड नहीं करना रहता, उसका अपॉइंटमेंट डिले करना रहता है अच्छा डिले करना होता है। ठीक है ताकि हम कि थोड़ा और मतलब स्टे कर आप पाए। हाँ क्या नहीं आ सकता के, ताकि और एप्लीकेशन चलता रहे प्रोसेस में। तो मैंने एक बार कर चुका अभी तक डिले, मैं 17 अप्रैल को था तो मैंने 15 को कॉल किया, बोला हाँ कि ऐसा ऐसा है नहीं आ सकता मैं हाँ कुछ हाँ भी, हाँ मतलब फैमिली इमरजेंसी है या फिर कुछ भी। हाँ 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 तो फिर मैंने मई का एंड मांगा, हाँ मई का डेट मांगा, तो मेरे को 30 मई का मिला है। 30 मई का ठीक है। और तेरा वो जो रिसीट एग्जाम अभी कब हुआ था वो वो जो एग्जाम मॉड्यूल हुआ रिटेक था किया था तो फिर से एग्जाम हुआ होगा ना उसका, वो हाँ कब? अप्रैल को हुआ था, 3 अप्रैल। 3 अप्रैल को हो गया है तो अच्छा 3 अप्रैल को तूने एग्जाम दे दिया। अब तू 30 मई तक का अभी तेरा आएगा नहीं, जून में रिजल्ट आएगा ठीक है, हाँ तो मेरे को एक और बार अपॉइंटमेंट बढ़ाना है। अच्छा अगर ठीक हाँ है एक बार और अपॉइंटमेंट वो करेगा तो ठीक तो है। मैंने 17 अप्रैल का था उसको बढ़ा के 30 मई किया, फिर हाँ 25 को वापस कॉल करूंगा मैं, हाँ कुछ ना कुछ बहाना दे के जून तो एंड का डेट लूंगा। जून एंड का ठीक है। तो जून मिड में अगर मेरा रिजल्ट आ गया हाँ तो फिर मैं PHW अप्लाई करूंगा सॉलिसिटर के पास से ही, और इसका एप्लीकेशन कैंसिल कर दूंगा, तो इसका रिफंड ठीक आ है। जाएगा मेरे को। अब देख मैं नेगेटिव नहीं होना चाहता बट जस्ट ये कि मैं क्लियर चाहता हूँ, तो जैसे अगर तेरा रिजल्ट आता है जून में तो तू पास हो गया तो तू PHW अप्लाई करेगा राइट? बट इफ इन केस मतलब मैं हाँ ऐसा चाहता नहीं हूँ ना मैं ऐसा बोलना चाहता बट मेरे को चाहिए कि है ना, तो हाँ अगर तू फेल होता है फिर से तो फिर क्या है उसके बाद? फिर से FLR का कुछ वही? नहीं, हाँ एक मतलब शायद 4 बार बढ़ा सकते हैं इसको, उसके बाद वो लोग खुद कैंसिल कर देते हैं एप्लीकेशन, फिर तो इलीगली हो गया ना, अच्छा, फिर मतलब तेरे को फाइनली जाना ही पड़ेगा वापस। ज्यादा ही पड़ेगा। अच्छा तो ये तेरा सिर्फ इस रिजल्ट के ऊपर सब कुछ टिका हुआ है ना? तो मेरे को एक चीज और पूछनी थी तेरे को, जब जैन में जब तेरा रिजल्ट वो हुआ तेरा है ना, जब तू फेल हुआ फिर से, तो तूने यूनि वालों को मेल डाला था कि मेरा वीजा एक्सटेंशन एक्सटेंशन कर हाँ दो? हाँ डाला था मैंने, उन्होंने हाँ बोला रिसीट के लिए वीजा नहीं देते, अच्छा अगर पहले रिटेक हाँ होता, हाँ रिटेक हाँ होता तो फिर कर सकते थे आई जैसे अपन का। नहीं नहीं तेरा तो फिर रिटेक हुआ ना?
रिटेक नहीं हुआ ना अभी, वो रिटेक तो ऑलरेडी दिया हुआ था ना अपन ने, हाँ तो तेरे रीटेक में फिर रिसीट आया। अच्छा, रिटेक अगर में रिसीट रीटेक आया होता उसके खाली बाद। तो तेरा कर देते लोग एक्सटेंड। अगर हाँ ओके मैं ओके सेंटर में ओके। लिया रहता ना हाँ मेरा हाँ अक्टूबर के बाद वाला, हाँ 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 वो भी चलता रहता मेरा अभी। तो पर वो मैं सोचा नहीं खाली फुकट कौन पैसा खर्चा करेगा 6 महीने हाँ के, खत्म वही वही वही। कर। अब फिर उसमें वीजा भी तो अप्लाई करना पड़ता ना तेरे को। हाँ हाँ वही वही वही। हाँ हाँ तो नहीं वो तो ठीक था। तो अभी कैसा गया है तेरा एग्जाम जो 3 अप्रैल को गया है? अभी तो अच्छा गया है, कौन सा था, वाइवा अभी वाला था? वाइवा वाला है कौन सा था? वाइवा नहीं था। वाइवा वाला था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो चल ठीक है फिर। तो ये इतने था, कुछ कुछ और बताना चाहेगा? कुछ मतलब कि अंदरूनी बातें या कुछ सॉलिसिटर की या कुछ ऐसी जो। अभी है ना सुन, हाँ मतलब अभी मैं अगर PHW अप्लाई करूंगा ना तो हाँ इसका मैं ये कर सकता हूँ, मतलब विड्रॉ कर सकते हैं एप्लीकेशन, तो इसका रिफंड आ जाएगा मेरे को, मतलब अरे वाह, फिर भी। ये सही है फिर। अगर हाँ हाँ ये अच्छा बताया तूने। अगर ये ऐसे हो जाए, PSW अप्लाई करेगा तो इसका रिफंड आ जाए, तो ये तो बहुत हाँ अच्छी बात मतलब है। अगर दो एप्लीकेशन प्रोसेस में रहा तो मतलब पहला वाला कैंसिल करा सकते हैं ऐसा, अच्छा तो मतलब अच्छा अच्छा पहले मेरे को अच्छा PHW का 2,000 भरना पड़ेगा, हाँ फिर हाँ पहला वाला हाँ कैंसिल करना पड़ेगा, तो फिर उसका रिफंड आएगा तो चल ऐसा। वो तो ठीक है, तू वहाँ के पैसे वहाँ लगा लेगा फिर। ठीक है हाँ वो तो नहीं, लगा नहीं सकता ना, पहले PHW अप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसका रिफंड लेना पड़ेगा पहला हाँ, पर वो तेरे को एप्लीकेशन रिफंड आ जाएगा बाद में, है ना? आ जाएगा ऐसा। हाँ हाँ चल ठीक है, वो तो ठीक है फिर। तेरे को अपना PSW 2 साल का ठीक है फिर। और हाँ इनका भी तो पास में। हाँ 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 तो पास है। तो ये था मतलब, है ना? तो चल यार, इसके लिए तो मैं बस गुड लक कहूँगा और तेरा अच्छा ही, आई होप वो लोग कर ही दें, क्योंकि थोड़े यहाँ के टीचर्स भी थोड़ा ऐसे ही कर रहे हैं सीन ना, थोड़ा आजकल मैंने सुनने में भी क्या आ रहे पता हैं। अभी बच्चे। हाँ पर नहीं, मेरे को लग रहा है जब तू कह रहा अच्छा गया है और शायद हो इस बार, तो पक्का हो जाएगा मुझे जहाँ तक लगता है ना। हाँ एंड जून में उसके तूने देखते। सॉलिसिटर से फिर ये नहीं पता किया, जैसे कोई कंपनी जैसे कोई स्पॉन्सरशिप दे दे, जैसे केयर होम वगैरह, तो उसमें हम कुछ। नहीं, उन्होंने बोला वो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, हम यहाँ से ऐसा लीगल काम करते हैं, अच्छा, वो ढूंढ के नहीं देते? ठीक है ठीक है ठीक है। वो कुछ आपकी हेल्प नहीं करेंगे, उनको जितना बट करना था उतना कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो फिर यही था। चल ठीक है, थैंक्स इसके लिए, है ना, इस सब इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि इस पे मेरे को ऑब्वियसली एक अच्छे से वो बताना पड़ेगा सब। वीडियो बना रहा हूँ तो उनको बस सम वही इसका, उसने बोला क्योंकि था कि हाँ मैक्स एंड 4 बार मतलब अपॉइंटमेंट आगे कर सकते हो, और हाँ फिर कॉल करके करना रहता है, और कॉल का लाइन बहुत लंबा रहता है, पर मेरा तुरंत कॉल कनेक्ट हो जाता है ऐसा, अच्छा, तो तुरंत कनेक्ट तो हो वो जाता अच्छा है। हुआ मेरा। और 4 बार कर सकते हो? और 4 बार जैसे कितने कितने टाइम के लिए होता है? एक एक महीने के लिए बढ़ाते हैं या उसने मेरे कुछ? को बोला था कि मतलब अभी करोगे ना तो मई एंड का डेट मांग लेना, मतलब महीने के एंड का, जैसे अच्छा 17 अप्रैल को तो ऑलरेडी चालू ही था, फिर हाँ। 1 महीना मतलब 1 महीना आगे कर सकते हो, तो फिर मैं 17 मई नहीं लिया, मैंने सीधा 30 मई का लिया, 30 मई का एंड लिया? में कुछ है क्या उसका। हाँ ओके ठीक है ठीक है ठीक है। सो अब फिर वो 30 मई को फिर नेक्स्ट मंथ कर देगा, ताकि तब तू अपना रिजल्ट का वेट कर 30 मई के पाए। पहले करूंगा, मतलब 25 को करूंगा कि हाँ 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 बस कुछ हाँ ना कुछ वो तो हो एक जाए। हफ्ते पहले। हाँ। हाँ ठीक तो है शायद फिर। मेरा 2 कॉल में हो जाना चाहिए, क्योंकि जून तक तो रिजल्ट ही आ जाएगा, हाँ तीन हाँ चार हाँ कॉल हाँ करना नहीं पड़ेगा, फिर नहीं करना दो कॉल में हो पड़ेगा। जाएगा। ठीक है। तो हाँ मेरे को एक और चीज़ पूछनी थी। तो जैसे अभी तूने FLR अप्लाई कर रखा है, तो तेरे हाथ पे भी कुछ मतलब एज अ प्रूफ क्या है, मतलब कि तू यहाँ रह रहा है, कुछ डॉक्यूमेंट है या सिर्फ वो FLR की एप्लीकेशन एप्लीकेशन हाँ है? हाँ वो एप्लीकेशन आईडी नंबर है ना, उसके अच्छा लिए काम एप्लीकेशन चालू आईडी है, नंबर है। ठीक है एप्लीकेशन है, काम मतलब चालू ऐसा है नहीं है ना उसका। जैसे BRP वगैरह होता है, वो नहीं है कुछ अभी? नहीं, BRP नहीं, अच्छा BRP नहीं है, ठीक है वो एप्लीकेशन आईडी है। चल थैंक्स और तूने। 20 hours भी काम कर सकते हैं उसमें, हाँ क्या, 20 hours भी काम कर सकते हैं। अच्छा इस वाले वीज़ा पे 20 आवर्स कर सकते हैं हम काम? हाँ मतलब तुम्हारा जो पहले काम चालू था ना, तो मेरा हाँ पहले जो 20 चालू था ना, तो हाँ वही हाँ कंटिन्यू कर सकते हैं ऐसा मतलब। अच्छा वो चल ठीक है फिर। 20 में तो अपना महीने का खर्चा तो निकल ही जाता है क्या? हाँ वही वही। ठीक है तो फिर चलिए, थैंक्स, तूने करेज दिखाया, अपनी सारी चीज़ें शेयर की है ना, क्योंकि बहुत लोग देख होता, हमें पता है कि ये होता बहुत लोगों के साथ है, बट सब लोग शेयर नहीं कर पाते हैं, सब लोग ओपन नहीं होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है ये चीज़ें। एंड चल थैंक यू सो मच। और मैं लिंक, तो गाइस जैसा आपने देखा उसने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन बताई, सारा एक्सपीरियंस शेयर किया, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आया था September 21 में, एंड इसका जो सेकेंड सेमेस्टर था ये उसके एक मॉड्यूल में फेल हो गया था। तो उसके एक मॉड्यूल में फेल हुआ तो फिर इसका रिसीट आया, तो उस रिसीट में भी फेल हुआ, तो फिर इसने दिया मॉड्यूल रिटेक। जो मॉड्यूल रिटेक के लिए आपको देने पड़ते हैं 1,000 पाउंड, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है, तो ये ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी का बता रहा हूँ मैं। तो इसने 1,000 पाउंड दिए उस मॉड्यूल रिटेक के। तो उस मॉड्यूल रिटेक का एक जो एग्ज़ाम था वो था दिसंबर में, अक्टूबर में क्लासेस स्टार्ट हो गई थी ठीक है, एंड दिसंबर में एग्ज़ाम था, बट जो दिसंबर में एग्जाम था एंड इसका नेक्स्ट जैन में इसका वीज़ा एक्सपायर हो रहा था 31 जैन को, एंड 27 जैन को इसका रिजल्ट आना था।
या तो इसका रिजल्ट अगर ये पास होता तो ये PHW अप्लाई कर सकता था, बट इसके केस में थोड़ा नेगेटिव गया एंड ये फेल हुआ। 27 जैन को इसको पता चलता है कि फेल है एंड जस्ट फिर ये PHW अप्लाई नहीं कर सकता था, क्योंकि जब आप फेल होते हैं तो PHW की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि आप हर एक सब्जेक्ट में, हर एक डिजर्टेशन में, हर एक मतलब मॉड्यूल में पास होने चाहिए, बट इसके केस में नहीं हुआ ऐसा, तो ये PHW नहीं अप्लाई कर सकता था। एंड देन इसने यूनी वालों को बोला कि मेरा मॉड्यूल रीटेक में रिसीट आया है तो आप मेरा वीज़ा एक्सटेंड कर दीजिए। तो यूनी वालों ने बोला कि हम मॉड्यूल रीटेक का रिसीट में आपको वीज़ा नहीं दे सकते हैं, तो यूनी वालों ने ही मना कर दिया। तो फिर आगे इसने, आपने देखा ही कि इसने FLR अप्लाई किया, तो FLR होता है फर्दर लीव टू रिमेन, जिसके बेस पे आप मतलब थोड़ा सा यूके में और स्टे कर सकते हैं, थोड़ा सा और टाइम रह सकते हैं, ठीक है। तो इसने FLR अप्लाई किया एंड देन FLR कर करके ये अभी तक अप्रैल में, इसने 3 अप्रैल को इसका रिसिट था तो इसने वो दिया अपना, एंड देन अभी इसका 4-5 जून को रिजल्ट आना है, बट इस पर वीज़ा नहीं है। तो इसका अभी FLR इसने अप्लाई कर रखा है, तो एप्लीकेशन डाल रखी है जैसा आपने पूरा सुना ही होगा, तो अब इसने ये डिले कर रहा है अपनी एप्लीकेशंस को ताकि बायोमेट्रिक ना दे पाए, ताकि इसका रिजल्ट आ जाए, ठीक है। अगर तो इसका अभी ये 30 मई का इसने डेट लिया है वहाँ से, बायोमेट्रिक का जो डेट आया है, बट ये अभी फिर मई में इसको फिर डिले करेगा जून में ताकि इसका रिजल्ट आ जाए। अगर ये इसमें पास होता है तो ये सीधा PHW अप्लाई कर सकता है सॉलिसिटर के थ्रू, अगर ये नहीं होता है तो इसको वापस इंडिया जाना पड़ेगा। तो गाइज हमें थोड़ा सा सीरियस समझना पड़ेगा कि हमें पढ़ाई को थोड़ा सीरियस लेना पड़ेगा, एंड मैं इसको थैंक्स कहना चाहूँगा, इसने पूरा करेज दिखाया, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की, ठीक है। और आप लोगों को आई थिंक ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी हो, क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जिस जो इस सबके साथ शेयर करो, आई थिंक कोई ना कोई होगा जो हमें नहीं बताता है। मेरे दोस्त ने पूरा खुल के शेयर किया, बट बहुत लोग हैं जो अपनी ऐसी चीज़ें नहीं शेयर करते हैं, ठीक है, वो अपने अपने तक रखते हैं, बट सबके साथ शेयर को, किसी तक तो पहुंचेगी वीडियो ताकि उसको हेल्प हो, ताकि वो FLR अप्लाई कर पाए। देखो मैं FLR नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये सॉलिसिटर क्या आपको सजेस्ट कर रहा है उसके ऊपर, तो मेरे दोस्त को FLR सजेस्ट किया मेरे जो सॉलिसिटर था उसने, तो सबके केसेस अलग होते हैं, बट स्टिल ये एक हेल्प हो सकती है किसी की, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड जाते जाते सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।